एग्जाइल में रहे, तो इवन कि आपने वहाँ पर, आपको मौका मिला अमेरिकी सिस्टम को भी समझने का, और अमेरिकी जो हुकूमत है वो आपसे मशवरा भी करती थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। तो आप क्या मशवरा देते थे उस वक्त की अगर बात है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल में अमेरिकी भी समझते हैं कि पाकिस्तान को समझना उनके लिए भी आई बिलीव इज अ चैलेंज। जी, मुझे एक्चुअली मैं एक मीटिंग में, आई एम पार्ट ऑफ द अटलांटिक काउंसिल, दैट्स अ वेरी सीरियस ग्रुप, वहाँ हेनरी किसिंजर भी है, उसमें उनके CIA का चीफ भी आता है, उनके डिफेंस के चीफ भी आते हैं, और वो कुछ मुल्कों से और भी डायरेक्टर हैं मेरे अलावा। तो मैं वहाँ से, मीटिंग ख़त्म हुई तो बाहर निकला, तो डेविड कैंप जो वहाँ का सेक्रेटरी है उसने तो मुझे कहा कि IMF वुड लाइक टू मीट यू। तो दिस इज फर्स्ट टाइम, मैंने कहा मैं चलो, तो मैं गया, मैंने डेविड लिप्टन जो करता दर्द है असल में, जो मैंने लेटर आते हैं वो तो यूरोपियन होते हैं, कन्वेंशन है, तो उसने मुझे बता कहा कि यहाँ पर आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और हमारा ख्याल है कि यार नवाज़ की ज़्यादा सीटें होंगी, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान में, तो हम मदद करना चाहते हैं। और उसने मुझे ये भी साथ कहा कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिकॉज इलेक्शन होने वाले हैं, तो मुझे या तो व्हाइट हाउस से फ़ोन आना है और या मुझे हिलरी क्लिंटन उस वक्त थी, तो वहाँ मुझे हिलरी से फ़ोन आएगा कि आप आएँ, और हमें डेविड लिप्टन एट वर्क इन स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो दे एट वेरी फेवरेबल टू पाकिस्तान, और उन्होंने कहा जी हम क्या क्या करें, तो मैंने कहा ये असिस्टेंस दें पाकिस्तान को, ये दें, प्राइवेटाइजेशन कराएं, इन्वेस्टमेंट लाएं पाकिस्तान में, तो सारी बातों उसने उसने लिख ली, और उसने कहा जी ये आपका बड़ा अच्छा आइडिया। फिर मुझे ट्रेजरी वालों ने भी बुलाया, सो आई वेंट टू द ट्रेजरी, US ट्रेजरी इन वॉशिंगटन, तो इसी किस्म के क्वेश्चन थे उनके भी, तो वी फाउंड आउट दैट दे वर वेरी होपफुल एंड हेल्पफुल। वो और आज की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है, और वो बेसिकली कुछ चीज़ें हुई हैं, एक तो उनका अफगानिस्तान से जाना वो उस वक्त उनका इंटरेस्ट था, अब नहीं है, विच वी मस्ट रियलाइज वेन वी डू पॉलिसी बनाते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारी डिप्लोमेटिक मिशन अमेरिका में उसका एक तरीका है उसको डील करने का, वहाँ पर अमेरिका इज नॉट अ प्लेस वेर यू सेंड अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रैट हु बिकम्स योर अम्बेसडर, वो नहीं चल सकता। वहाँ पर आप किसी ऐसे बंदे को भेजें, और आपके गए हैं असवानी साहब होते थे शुरू में जब पाकिस्तान बना है, तो इस किस्म के लोग जिनकी अपनी भी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी, तो वहाँ पर काफ़ी एंटरटेनमेंट करनी पड़ती है अमेरिका में, जो आप रोज़ बिल भेजते रहें फॉरेन ऑफिस में तो नहीं हो सकती। और एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी बीवी भी कोई ऐसी हो जो कि मिलनसार, जिन्हों कहने हैं तो लोगों से बनाना ताल्लुकात ये वो, तो ऐसा कोई बंदा हमें वहाँ भेजना चाहिए जो कि मियाँ और बीवी इकट्ठे काम करें, अब उसमें वी कैन डिस्कस, उसके लिए इतना टाइम नहीं है इस वक्त। इसी तरह आप देखें जब चाइना खुला तो उस वक्त हमारा एम्बेसडर जनरल रजा होता था वहाँ पर, तो चुए लाइट को बड़ी शौक थी कि वो ब्रिज खेलता था, तो हर छुट्टी वाले दिन उसने कोशिश करना कि पाकिस्तान एम्बेसी में आके ब्रिज खेलता था। सो वो रैपर जो है वो भी ये 3-3 साल के ट्रिप्स पर नहीं हो सकता। एंड्रू गोमेको जो सोवियत यूनियन का बाद में फॉरेन मिनिस्टर बना, 28 साल एम्बेसडर था। प्रिंस बंदर जो सऊदी का है, ये कितने साल रहा है उसके बड़े ताल्लुकात से जॉर्ज बुश वगैरह के साथ। सो आई हैव सीन दैट कंट्री व्हेन आई लिव्ड देयर, कि उनको कुछ और ही तरीके से डील करना पड़ेगा।